नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद औरैया चेकिंग के दौरान बेला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने बावरिया गैंग को सहायता पहुंचाने वाले दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। दोनों अभियुक्त बल्लभगढ़ निवासी हैं। इनके पास से एक TUV गाड़ी, दो तमंचे, 4 कारतूस, 8 ATM कार्ड एवं 53,000 रुपये हुए बरामद। औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। सर, बेला थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक ट्यूबी गाड़ी पे दो लोग पकड़े गए हैं। सर, क्या है पूरा मामला, किस तरीके से ये लोग पकड़े गए थे? देखिए, देख हम सेवा की तरफ से बॉर्डर पे, हमारा जो बॉर्डर है दोनों से लगाव के आसपास जो मिलता है, ट्यूबी सफेद रंग की गाड़ी आ रही थी, काफ़ी तेज गति से आ रही थी। वहाँ पर पुलिस फोर्स बेला उसके नाम पर उसे रोकने की कोशिश की, उसने गाड़ी रोकाने की कोशिश की, फिर आगे जाके हमारे पुलिस ने घेराबंदी करके उसको पकड़ा। फिर उससे पूछताछ की गई, पूछताछ में कड़ाई से पूछा कि उन्होंने कहा उन्होंने योगेंद्र नाम और दिल्लू नाम बताया और बल्लभगढ़ का उन्होंने बताया, फरीदाबाद के रहने वाले हैं। और जब उससे गहनता से जांच की गई, जो नंबर प्लेट असली गाड़ी की थी वो अंदर रखी हुई थी, बाहर एक फर्जी जो नंबर प्लेट लगी हुई थी और उनकी जमा तलाश ली गई। तो उन दोनों व्यक्तियों से एक एक अवैध असलाह और दो उनसे प्राप्त हुए, साथ ही उनसे 8 ATM और लगभग 53,000 रुपये भी उनसे प्राप्त हुए हैं। कुछ फर्जी आई कार्ड्स भी उनसे प्राप्त हुए हैं जिनकी जानकारी प्रशिक्षित की जा रही है। इनसे और कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि बाबरिया की ओर से ये मदद करते रहे हैं, इनके नीचे से रहे हैं, उनको मदद पहुँचाते रहे हैं। इसकी सूचना आसपास के जनपदों में और जहाँ बाबरिया की ओर से मिली वहाँ पर सभी को रद्द कर दिया गया है। सभी सतर्क रहें और कोई दूसरी गतिविधि उस पर नजर रखें। इस संबंध में केवल धोखाधड़ी और आम सेक्टर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उनको मान्य न्यायालय भेजा गया है और भी गहराई से उनसे जाँच करेंगे कि बाबरिया की ओर से इनकी क्या क्या कार्य योजना थी, कहाँ कहाँ पर अंजाम देने वाली।